जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सुधा आंटी को। सुधा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। आई हुई संगत को जो भी इस टाइम कनेक्टेड है, मेरा सादर प्रणाम। हाथ जोड़ के सबको नमस्ते। गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये बड़ा मंदिर दिया और मंदिर में आप लोग इतना सुंदर काम कर रहे हैं कि सबकी जर्नी गुरु जी के साथ जो है वो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबके साथ साझा कर रहे हैं, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग। वी गेट टू नो मोर एंड मोर अबाउट गुरु जी थ्रू दीज सत्संग्स, फॉर विच आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू अंकल। सो गुरु जी के साथ मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे सबसे पहले यही शब्द की लाइन याद आती है, आद जुगाद भक्तन का राखा उस्तत कर कर जीवा। गुरु की वडियाई, गुरु का गुणगान ही हमारा जीवन होना चाहिए, उसका गुणगान करते हुए जो पूरी दुनिया का राखा है, हर हालत में हर सर्कमस्टेंसेस में उसकी वडियाई उसका गुणगान करके ही हमारी जिंदगी है। ये मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी मैं ऐसे सत्संग के लिए करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ गुरु जी आपकी जो कृपा है, आपकी जो वडियाई है, आपका जो गुणगान है, वो आप अपने ही शब्दों में करवा लीजिएगा, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उतने सुंदर शब्द ढूंढ कर लाएं। गुरु जी अंतर्यामी हैं, उनको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी जब हम उनसे मिलते थे। जो मन में होता था गुरु जी अपने आप ही पहले से ही कर देते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि गुरु जी से बात करते थे, गुरु जी ने कोई कुछ बताया कि ये काम करना है, तो मन में आता था ये काम कैसे करना है, अगले पल गुरु जी अपने आप ही बिना कहे जवाब दे देते थे। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, जब बड़ा मंदिर खुला तो गुरु जी ने कहा नमस्ते की, मैं गई मिलने गुरु जी को, नमस्ते की तो गुरु जी ने मेरे को कहा बड़ा मंदिर खोलता सेवा ते जाया कर। एंड आई वॉज वेरी नाइव, आई हैड नो क्लू आई वुड से कि सेवा कैसे और क्या करनी होगी बड़ा मंदिर में। मैंने दिल में उनको गुरु जी को हाँ जी बोला और दिल में मैंने सोचा सेवा में क्या करेंगे। गुरु जी ने अगले ही पल मुझे कहा उत्थे जाया कर, सेवा करया कर, कुटिया दी सेवा करया कर, सफाई करया कर, साफ सुथरा मंदिर रखो, पर फूल पौधे अनु देखो, झूला कुटिया दी सेवा करो, जाया कर मंडे नू दो या चार आंटियां लेके। तो मुझे याद है वी वुड फॉलो टू द टी जो गुरु जी कहते थे, तो मैं या दो आंटियां या चार, कभी तीन और पांच नहीं लेकर गए। तो मंडे को गुरु जी ने बोला था, तो मंडे को फिर हम जाते थे बहुत सुबह सुबह, इतना शौक से जाते थे क्योंकि बड़ा मंदिर गुरु जी ने जो बनाया है इसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं, आई बहुत संगत से मैंने सुना है कि कई बार आप ज्यादा फिजिकली ठीक नहीं होते हैं कि आपको कोई तबीयत थोड़ी सी खराब है या कैसे है, पर जैसे ही हम मंदिर पहुंचते थे, मंदिर एंटर करते ही पता नहीं जो कॉस्मिक एनर्जी, जो गुरु जी का स्ट्रॉन्ग ऑरा, गुरु जी की पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी थी वहां पर है, वो आपको एकदम ठीक कर देती थी। जितनी देर मंदिर के अंदर आप सेवा में हो, आप परफेक्टली फिट हो, कुछ नहीं होता अंदर जाके, कोई दर्द, कोई खांसी, कोई बुखार, कोई ऐसा होता नहीं था।
पूरी सेवा करके बड़ी खुशी से, अंदर की खुशी, ब्लिसफुल स्टेट से वापस आते थे हम लोग। और उस सेवा में हमें पता भी नहीं लगता था गर्मी है सर्दी है क्या नहीं है, बिकॉज दैट वॉज गुरुजी's एनर्जी फ्लोइंग, डिवाइन एनर्जी फ्लोइंग एंड ब्लेसिंग ऑल द संगत whosoever was there एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब सेवा के लिए गुरुजी भेजते थे। और बड़ा मंदिर तो गुरुजी के हिसाब से उन जैसा गुरुजी कहते थे कि एदे साई तो भी कोई गुजर जाएगा ना ओदा कल्याण होएगा। सो हम लोग मेरे हिसाब से वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड संगत ऑफ गुरुजी जो इस मंदिर में आते हैं। गुरुजी की कृपा ही है कि सब आते हैं। उस टाइम बहुत कम लोग थे, इस टाइम संगत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कई सिर्फ गुरुजी के दर्शनों के लिए आते हैं कि रब नु देख के आइए, रब नु मिल के आइए। जैसे हम जाते थे, हम सिर्फ गुरुजी को मिलने जाते थे। और गुरुजी भी कहते थे कि कोई लिस्ट नहीं लेके आनी है इस मंदिर च, कम लेना आओ, रब नु मिलन आओ, रब दा गुणगान करो, फिर देखो नजारे। जैसे हम लोग जाते भी हैं नॉर्मली, हम लोग इंसान हैं, जब भी कोई बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है तो कोई आपको बताता है कि बड़ा मंदिर जाओ, आपका कल्याण होगा, क्योंकि गुरुजी आए ही इस मिशन के लिए थे। हिज मिशन वाज ओनली टू पुल सोल्स लाइक अस हु आर इनटू डीप ट्रबल, पुल अस आउट ऑफ दैट एंड पुट अस ऑन द राइट ट्रैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो दैट जिंदगी तो साइड बाय साइड चलनी ही है, बट गुरुजी ने हमें एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पैरेलल दिखाया, उस रास्ते पे हमें चलाया ताकि हमारा कल्याण हो सके। जिस रब को, जिसको हम गुरुजी कहते हैं, वो रब हमारा रब है। जिस रब ने हमें बिना मांगे इतनी बड़ी दात दे दी, उसका गुणगान जिंदगी के लास्ट लम्हे तक भी करे वो भी कम है। जैसे उस शब्द में है कि मैनू एनिया जीवा लगा दे, एने रोम होन कि मैं गुणगान कर दिया ना थका। सो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है कि आपने हमें सारी संगत को अपने फोल्ड में लिया, और हमें आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। आप अपने आप ही सब कुछ करते थे हमारा, अभी भी कर रहे हैं। बहुत संगत है, मैं देखती हूँ लोगों के इतने खूबसूरत सत्संग में सुन के, एक एक का संगत का, उसके एक एक पल का हिसाब किताब इतना खूबसूरती से रखा जा रहा है आपके द्वारा कि हर कोई धन्य हो रहा है। मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिली, दूसरे दिन आपने मुझे कहा एक चमक का लोटा लेके आई। मैंने कहा अच्छा जी, फिर आपने कहा बहुत सोना चमक का कॉपर का लोटा। मैंने कहा हाँ जी। सो नेक्स्ट डे व्हेन आई ब्रॉट इट, आपने मेरे से पूछा कुड़ी दी डेट ऑफ बर्थ की है। तो मैं सोच रही थी आपसे तो मेरी, मैंने बताया ही नहीं मेरी कुड़ी है या क्या है, पर मैंने बताया जी ये है डेट ऑफ बर्थ। पर मेरे दिल में आया कि आपको कैसे पता। तो आपने फिर मेरे को वो, मेरे से वो लिया, उसको ब्लेस किया, और आपने बोला कि उन्हें एनु छेती बैंगलोर भेज दे कुड़ी को, उन्हों का 51 दिन पींदी रहे। एंड गुरुजी ने किसी को इशारा किया कि मेरे को समझा दें। मैं समझ लिया उनसे, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं उन्हें कैसे भेजूं बैंगलोर। इट विल टेक मी अ डे और टू टू फाइंड समबडी हु कैन गो एंड डिलीवर इट टू माई डॉटर। पर अगले ही पल, जैसे ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अगले पल गुरुजी ने बोला, वहां पर एक डिफेंस सर्विस में जो ऑफिसर थे वो बैठे थे, गुरुजी ने कहा इनू दे दे, बैंगलोर पोस्टिंग हुई है, उत्थे जा रहे हैं, समझा देगा। आपने दिमाग में सोचा और गुरुजी फटाक से आपको उसका जवाब दे देते थे। जैसे मैंने तब सोचा कि अच्छा सेवा क्या होती है, गुरुजी ने बता दिया ये करना। जब मैंने सोचा बैंगलोर कैसे, कौन जाएगा अभी, तो गुरुजी ने
एकदम बताया कि ये जा रहे हैं, इनको दे दो। सो अंतर्यामी थे जो भी, इवन आज भी मैं संगत से सुनती हूँ कि जो भी आप सोचो अगली पल गुरुजी उसका सलूशन देते हैं। पर हमें भी गुरुजी अगर इतने दयालु हैं तो हमें भी उसके काबिल बनना है कि हमारी पात्रता तो हो उनकी ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। उसके लिए उनके बताए हुए मर्यादा में रहना हमें बहुत जरूरी है। और गुरुजी की मर्यादा कोई बड़े बड़े प्रवचनों में नहीं होती थी, वो तो इधर उधर चलते फिरते इजीली छोटी सी बातें कह देते थे। जैसे गुरुजी ने कहा, वैमा च नहीं पैदा, देर आर नो सुपरस्टिशन इन लाइफ, हर दिन खूबसूरत है, हर रंग खूबसूरत है। सो आज तक वी हैव नेवर बॉदर्ड कि ये मंडे है कि ट्यूजडे है, ये काला रंग है या लाल रंग है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम, द होल ब्रह्मांड इज क्रिएटेड बाय हिम, ही इज द क्रिएटर, ही इज सदाशिव, महादेव, महाशिव, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट किए और जिन्होंने सारी सृष्टि क्रिएट की, उस गुरु के हम संगत हैं। तो हम बहुत धन्य हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके फोल्ड में आकर। उनकी मर्यादा में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें गुरु जी ने वहमों से परे रखने को बोला, तरह तरह के स्टोन्स ना पहनो, पास लाइफ रिग्रेशन में ना जाओ, जो चले गए हैं उनको लीव देम एट रेस्ट, डू नॉट डिस्टर्ब देम, ऐसे बोलते थे। और कभी कभी लाइक किसी ने मेरे से एक बार पूछा था कि गुरुजी नॉनवेज खाने को मना करते हैं, गुरुजी ने ऐसे नहीं बोला, कोई प्रवचन नहीं दिए इस पर, ही वुड से वंस इन अ वाइल ही वुड से, अपने पेट में शमशान क्यों बनाते हैं। सो वो बहुत एक हल्का सा उनका कहा बहुत बड़ी बात थी। तो हम उस चीजों को अगर अपनाने की कोशिश करें, उस रास्ते पे चले जिसको गुरुजी कहते थे, अंदर आन तो पहला इफ्स एंड बट्स अपनी जुतियां नाल बारी छटे आया करो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर साइंस लॉजिक एंड्स। अगर हम किंतु परंतु में पड़े रहेंगे तो जो गुरुजी ने बोल रहे हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक बार मुझे याद है जोशी अंकल ने अनाउंसमेंट की थी गुरुजी के कहने से कि घर घर से जब चलते हो, नहा धोके साफ सुथरे होके साफ मन से आओ, रास्ते में गुरु की बात करते हुए आओ, इधर उधर की बात ना करो, सो दैट बाय द टाइम यू रीच गुरुजी यू आर वार्म अप, जैसे गेम्स से पहले आप वार्म अप होते हो, सो यू आर इन दैट मोड ऑफ गुरुजी, एंड व्हेन यू मीट योर रब गुरुजी, यू आर योर माइंड सोल बॉडी आर रेडी टू एक्सेप्ट हिज ब्लेसिंग्स। गुरुजी कहते थे मैं तो ब्लेसिंग देने नो बैठा, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਹਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸੀ ਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰ ਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਰ ਐਸੀ ਹੁਆ, ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਬੋਲਾ, जान पहचान के ही थे, कि मेरी बेटी को पितृदोष है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने पूछा वो क्या होता है, उन्होंने समझाया मुझे, मैंने कहा अच्छा, बट आई टुक इट ईजी। फिर किसी ने बोला वो जो आपके साथ था बेटा है आपका, उसको भी पितृदोष है, तो मैंने हंसते हुए कहा जी मुझे भी हुआ, कहते हाँ आपको भी है, तो इसके लिए उन्होंने ये करने को बोला कि ऐसा ऐसा करो। सो घर में बैठ के एक बार फिर हमने डिस्कस किया कई दिन बाद, सो वी रीच द सॉल्यूशन कि दान पुण्य की बात ही तो करते हैं, कर लो। सो आई डिड इट। उसमें यही था कि हाँ खाना बना के देना होता है गाय को और पक्षियों को, ऐसे विच आई फेल्ट द होल फैमिली फेल्ट कर लो। और उसके साथ एक छोटी प्रेयर भी करनी होती थी कि जो है जहां है शांत रहे, हमारी तरफ से ये थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन। बट बिलीव मी,
ऑल माई लाइफ आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माई मदर एंड माई फादर, फोर ऑफ देम होम वी हैव लॉस्ट वेरी अर्ली इन लाइफ. जब मैंने दो बार ये किया आई स्टार्टेड गेटिंग ड्रीम्स ऑफ देम. एक बार हुआ आई इग्नोर्ड इट, दूसरी बार, तीसरी बार, देन अगेन वी सेट अप इन फैमिली टुगेदर कि ये क्या हो रहा. सो आई वाज टोल्ड और करो ये काम. जब गुरु जी कहते हैं कि जो चले गए उनको लीव देम एट रेस्ट, डू नॉट डिस्टर्ब देम, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस. सो माय क्वेश्चन वाज कि वी ऑल डिसाइडेड कि सिंपल दान पुण्य ही तो है, कोई ऐसी बात नहीं है. बट गुरु जी सी इज द ब्रॉडर पिक्चर. हम जिसको सिंपल दान पुण्य बोलते हैं, गुरु जी उसके पीछे की सारी ब्रॉड पिक्चर देखते हैं कि सोल्स कहाँ है, कैसे हैं, क्या सिस्टम है, विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो मैंने बैठ के गुरु जी से दिल में ही माफी मांगी एंड आई स्टॉप्ड डूइंग दीज रिचुअल्स विच आई ट्राइड ट्वाइस बिकॉज आई वॉज टोल्ड इन द मंदिर. तो मेरे को यही कन्वे करना था कि इनका ब्यूटिफुल जर्नी, ब्लिसफुल जर्नी विद गुरु जी, अचानक ही ऐसी छोटी सी चीजें जो कभी हम कॉन्शियसली नहीं सोचते, गुरु जी वो करवा के कन्विंस कर देते हैं कि जो गुरु जी ने छोटी छोटी चीजें कही हैं वो बहुत बड़ी है. एक्चुअली उनका मायना बहुत बड़ा है एंड वी शुड नॉट डू वट एवर ही सेड नॉट टू डू इट. सिमिलरली कि रिंग्स नहीं पहननी है डिफरेंट स्टोन्स की किसी पंडित जी के कहने से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाना चाहिए हमें, प्लेन एंड सिंपल एक ईश्वर को मानो, बहुत जगह नहीं जाना चाहिए, इन गुरुजी's वर्ड्स एक अकाउंट होना चाहिए है. किसी आंटी को बोला था, आंटी एक अकाउंट होना चाहिए है. फिर जब ये मैंने सुना तो फिर हमने वो शब्द भी सुना जिसमें व्याख्या है कि जो कुकर एक घर का होके रहता है उस घर का मालिक उसकी जिम्मेदारी निभाता है, और जो कुकर जगह जगह आज इधर गया कल उधर गया, इस गली उस गली में गया, तो हर कोई सोच लेता है कि आज उधर होगा उधर होगा, नोबडी बॉदर्स अबाउट इट. सिमिलरली अगर हम अपने मन में एक गुरु को धारण किया है, उसकी उस्तत करें, उसका गुणगान करें, उसके कहने में उसकी मर्यादा में रहें, तो वो तो वैसे ही इतना दयालु है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें नहीं भी पता गुरुजी तो वो भी निभाते हैं, जो हमें भी नहीं पता कि हमारी जरूरत है गुरुजी उन जरूरतों को भी पूरा करते हैं, और हम फिर भी इतनी गलतियां करते हैं जाने में अनजाने में. सो आई फील टाइम टू टाइम आई सिट विद गुरुजी एंड टाइम टू टाइम आई कीप टॉकिंग विद इन मी कि जाने अनजाने में जो हजार गलतियां हमारे से होती हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, और जानबूझ के गलती गुरुजी कहते थे नहीं करो. अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो किसी का, किसी की निंदा मत करो. और शब्द भी कितना सुंदर है, निंदो निंदो लोग मुझे सुन निंदो, उससे आपकी पॉजिटिविटी खत्म होती है, दूसरे की नेगेटिविटी आप पर आती है. सो आई फील वी शुड, आई ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड विद गुरुजी. एंड गुरुजी को मैंने कभी कुछ बताया नहीं कि मुझे क्या चाहिए इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज गुरुजी कहते थे रसिक वैरागी बनो. उनके शब्दों में भी ये व्याख्या है कि दुनिया की जिम्मेदारियां निभाओ, अपनी पूरी जिम्मेदारियां करके फिर मेरे पास आओ, उसके बाद गुरुजी ने आपका कल्याण आपके बिना कहे. क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमें मांगना क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि उनकी गुणगान में सबसे बड़ी चीज क्या है. हम तो दुनियादारी की चीजों से वाकिफ हैं और वो ही मांगते हैं, मेरे बेटे की प्रमोशन हो जाए, मेरे बेटे के बेटा हो जाए, ऐसी सी चीजें मांगते, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए. एक शब्द में है कि गुरु से गुरु को मांगो, और उसी शब्द में आगे है कि
गुरु से गुरु के चरणों की प्रीत मांगो जिसमें रस हो। एक तो मुंह से गुरु गुरु बोलते जाओ, एक रूह से बोलो कि आप गुरुमय हो जाओ, ऐसी प्रीत में आ जाओ कि आपकी आंखों से भी जितना मर्जी वो आंसू नहीं होते, जितना मर्जी पानी बहे वो गुरु के प्यार का पानी होता है। ये उनकी कृपा से ही हो सकता है, हम अपने आप कर नहीं सकते। और गुरु जी तो इतना कुछ कल्याण करते हैं। हियर आई विल शेयर अ स्मॉल लिटिल सत्संग, एक्चुअली तो बहुत बड़ा है, हर छोटी चीज गुरु जी की बहुत बड़ी दात है। थैंक यू गुरु जी। एक बार गुरु जी ने मेरे को जब वो लौटा बोला था लाने के लिए, कुड़ी नु भेजना है पेज बैंगलोर, दैट टाइम ही टोल्ड मी कि टेल हर टू डू दिस फॉर 51 डेज। उस लोटे को शी ओनली, बिकॉज इट वॉज ब्लेस्ड फॉर हर, शी ओनली हैड टू वॉश इट, नॉट विद द डिटर्जेंट, ओनली विद नींबू, इधर नींबू और राख, एंड शी हैड टू फिल इट अप एट नाइट। इन द मॉर्निंग हाफ ऑफ इट शी हैड टू ड्रिंक एंड हाफ ऑफ इट शी हैड टू हैव बाथ विद। तो उसने, उसको बताया गया था, तो उसने 51 डेज किया। उस 51 डेज में शी कॉल्ड मी कि मम्मा मैंने नहाया भी है आधे लोटे के जल से और आधा जल मैंने पिया भी है। मैंने गुरु जी को बताया, गुरु जी 51 डेज हो गए। गुरु जी ने बड़ा कैजुअली बोला, हाँ तो फिर पीती रहे सारी उम्र, मेरी बेटी आज तक वो पीती है। पर हमारे मन में कभी आया नहीं कि गुरु जी ने ये क्यों किया, और ना मेरी बेटी ने पूछा ना मैंने पूछा, हो गया और वो आज तक पीती है। जब गुरुजी ने ये किया था उसके 12 साल बाद, गुरुजी इन बिटवीन गुरुजी हैड लेफ्ट हिज फिजिकल सेल, 12 साल बाद एक आंटी उसके साथ बैठी थी बड़े मंदिर में, व्हाइल दे वर वेटिंग फॉर मी टू बी विद देम। उस आधे घंटे में आंटी ने अपनी जर्नी बताई कि आंटी को एक डिजीज थी जिसका नाम था लाइकन प्लेनस। उस डिजीज का कोई कारण नहीं है, उस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, उसमें बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक ब्लड के स्पॉट्स बॉडी पर आ जाते हैं, पूरी बॉडी कवर हो जाती है और उसका क्योर नहीं है। ये ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली फीमेल को होती है, लेडीज को होती है। देयर इज नो कॉज एंड देयर इज नो क्योर। शी सेड मेरा कोई क्योर नहीं था, तब मैं गुरु जी के पास आई थी और गुरु जी ने मेरा क्योर किया। एंड दैट नाइट माई डॉटर टोल्ड मी दिस कि सो एंड सो आंटी टोल्ड मी लाइकन प्लेनस डिजीज गुरु जी ने क्लियर की। देन वी रियलाइज जो लोटा और जल गुरु जी ने ब्लेस करके बेटी को दिया था, वो फाइनल स्कूल में 12th में शी डेवलप्ड दिस डिजीज कॉल्ड लाइकन प्लेनस। आई हैड टेकन हर टू एम्स फॉर बायोप्सी फॉर ऑल द ट्रीटमेंट, वेयर डॉक्टर टोल्ड मी कि इसका कोई क्योर नहीं है। एंड इन द मीन टाइम शी गॉट एडमिशन इन इंजीनियरिंग, वो बैंगलोर चलेगी। तो ऑफ एंड ऑन वी वर टेकिंग हर टू डॉक्टर्स, पर मैंने तो कभी गुरु जी को बताया ही नहीं, ना उन्होंने मेरे से पूछा लड़की के बारे में कुछ। उनको पता था वो अंतर्यामी है, उन्होंने पहले ही बिना मेरे को बताए, बिना बेटी को बताए उसकी डिजीज ठीक कर दी। शी गॉट क्योर्ड एंड बट वी कुड नॉट नो कि वो कैसे क्योर होगी। आई थॉट मे बी क्लाइमेटिक चेंज बैंगलोर दिल्ली से, बट उस आंटी ने बताया ओनली गुरु जी कुड क्योर दिस डिजीज, वो अपने आप क्योर नहीं होती। इतने काइंड, इतने दयालु, इतने परोपकारी गुरु जी थे हमारे, गुरु जी हैं हमारे, कि खुद फिजिकली चले भी गए, बाद में somebody else is explaining to us that my daughter was cured by गुरु जी। ऐसे ही उनको कई बार गुरु जी प्रसाद देते थे, थोड़े से रैंडमली उंगली के इशारे से बुलाते थे और लड्डू प्रसाद देते थे। आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक। एक दिन मेरे को प्रसाद दिया, मेरे मन में आया कि ओहो मेरा बेटा आ जाता, वो भी गुरु जी के हाथ से प्रसाद ले लेता। रब दे हथों प्रसाद लेना बहुत 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 बड़ी दात है। एंड आई वॉज ऑलवेज concerned about my son.
पर हां जी लिया, गुरु जी का शुक्रिया किया, मैं मुड़ी, अभी मैं 2 कदम नहीं गई, पीछे से आवाज आई, आंटी। अच्छा हां जी गुरु जी। आंटी गुरु जी कहते, एक लड्डू हाथ में था, आ ले अपने पुत्र नु भी दे दू। मतलब आप धन्य हो जाते थे, आपके पास उस टाइम वो जो फीलिंग है वो एक्सप्लेन नहीं होती, कि आप गुरु के प्यार में, गुरु की शरण में, गुरु के चरण में ओत प्रोत हो जाते थे कि मेरे तो मन में ध्यान आया और गुरु जी ने कर दिया। बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं, आज भी मैं कई बार संगत से सुनती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि संगत ये सब महसूस कर रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से रब को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुरु जी सामने होते थे पर हम उसे उन्हें फिजिकली, चाहे वो सेवा करते थे वो मैं मेंशन नहीं करूंगी, पर 24/7 घर भी चले जाते थे, हम उनको महसूस करते थे, उनके साथ चलते फिरते, जैसे आपस में हम कहीं किसी से बात करते हैं, गुरु जी से चलते फिरते बातें करते रहते थे, आज भी करते। सो ही कैन बी ओनली फेल्ट, ये एक फीलिंग है, ये एक एहसास है, गुरु जी रब एक एहसास है, उस पर 100% फेथ लेके चलते हैं हम। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे को वो टोंगे वाला घोड़ा देखती हूँ कि उसकी आंखें कवर्ड होती है, टोंगा चलाने वाला उसकी जिधर की लगाम खींचता है, जिधर को घुमाना होता घुमाता, घोड़ा वैसे ही करता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरु जी आप चलाओ और हम उस घोड़े की तरह आंखें बंद है, ब्लाइंड फेथ से आपके कहे अनुसार चलें। उसी में जिंदगी की ब्यूटी है, उसी में जिंदगी की खूबसूरती, क्योंकि जिंदगी शुरू ही तब हुई जब हम आपको, आपके दर्शन हुए पहली बार, उससे पहले तो दुनियादारी थी सारी, पर उसके बाद असली जिंदगी शुरू हुई। गुरु जी आपने तो मेरी बेटी को जीवन दान दिया है, सतगुरु मेरा जिए खत्म हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है, सतगुरु मेरा मार जीवाला, सतगुरु मेरा परम प्रीत वाला। मेरी बेटी को उन्होंने बहुत संगत ने ये, उन बहुत संगत की प्रेजेंस में ये हुआ था, उसको जिंदगी दी। मेरे बेटे को कोविड में जिंदगी दी, मेरा कैंसर बिना कहे, बिना मेरे और हाथ भीख मांगे गुरु जी से, उन्होंने मेरे को डिवाइन इंटरवेंशन से कैंसर, मेरा थ्रोट थायराइड कैंसर था मुझे, वो क्योर किया। देर इज नो अंत टू हिज शुक्राना। मुझे कैंसर में बताया गया था कि मैं जिंदगी भर बोल नहीं पाऊंगी, मेरी आवाज खत्म हो जाएगी, बिकॉज थायराइड कैंसर में व्हेन दे डू द सर्जरी द वोकल कॉर्ड्स आर टच्ड, देयर आफ्टर कैंसर को ही 2 साल लगते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, 2 साल मेरे, पहले कीमो करेंगे, रेडिएशन, वो सारा प्रोसेस खत्म होके 2 साल बाद मुझे स्पीच थेरेपी देंगे, और मैं फिर भी सिर्फ स्लर करूंगी और मुझे लिख के बात करनी पड़ेगी। और आज मैं कितनी खुले गले से गुरु जी का गुणगान कर रही हूँ, ये उन्होंने कैपेबिलिटी दी है कि जो मेरी आवाज बिल्कुल खत्म होनी थी, मैं जिंदगी भर बोल ना सकती थी, वो आवाज गुरु जी ने इतनी बुलंद कर दी कि मुझे कई बार बच्चे कहते हैं धीरे बोलो, और तब कहते थे इतनी सॉफ्ट आवाज थी कि मम्मा ऊंचा बोलो, गुरु जी को सुन नहीं रहा, गुरु जी को पूछते थे तो मैं जवाब देती थी, वो कहते थे हैं, मैं दोबारा पूछते थे, मैं पूरे दम से बोलती थी, बट इट वॉज सो सॉफ्ट कि उन तक पहुंचती नहीं थी, आज इतनी बुलंद है कि मुझे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज ऑल बिन बोलिया सब कुछ जानता, आई हैड नेवर नेवर टोल्ड हिम कि मुझे कैंसर है, बट ही क्योर्ड। सिमिलरली मेरा केयर टेकर था, उसकी वाइफ को कैंसर हुआ था, एवरीबडी इन पंजाब, इन नेपाल एंड इन दिल्ली, एम्स एंड पीजीआई, दे हैड सेड के 1-1.5 महीने से ज्यादा नहीं है। सो आई टोल्ड हिम आप मेरे साथ गुरुजी के आओ, पर गुरुजी से मांगना मत कुछ,
सिर्फ ये मान के चलो कि सदाशिव हैं और ये जो भी कल्याण करेंगे वो सही होगा हमारी जिंदगी के लिए, बिकॉज ही सीज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हम तो सिर्फ जिंदगी देखते हैं. गुरु जी के कल्याण के दोनों मायने होते हैं. जो इतने कष्ट में, लंबे कष्ट 10-12 साल भोगने हैं, वो कट करके वो मोक्ष दे देते थे या कल्याण कर देता, बंदा जल्दी से ठीक भी हो जाता था या जल्दी से कष्ट छोटे करके वो गुरु जी के चरणों में चला जाता था. सो गुरु जी का कल्याण सिर्फ वो ही जान सकते हैं. मैं तो कम से कम आई डू नॉट हैव द ब्रेन्स टू एनालाइज माई रब. एक लाइन आती है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी ही जाने. वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू एनालाइज गुरु जी's डूइंग्स, गुरु जी's ब्लेसिंग्स एंड गुरु जी's वर्ड्स. उनको समझे, हम गुरु जी के ड्रीम्स को समझे, उनको एनालाइज करें. नो, हम अपने मतलब से जो मर्जी निकाल लें, बट ब्रॉडर पिक्चर में जो उनका मीनिंग होता है वो हमारी समझ से बाहर है. गुरु जी ने उसको अपने लंगर से, अपनी ब्लेसिंग से उसका कैंसर ठीक किया. उसको 6-7 साल, नाउ आई एम फॉरगेटिंग प्रिसाइजली, पहले तो मुझे याद था कि हाउ मेनी इयर्स शी लिव्ड दोज मेनी इयर्स. मेरे मन में यही होता था कि इसकी फैमिली ट्रैक पर आ जाए. उसने अपने बच्चों बच्चों सबकी शादी कर ली, सबको ट्रैक पे करके देन शी लेफ्ट द वर्ल्ड. बट गुरु जी ने मुझे 1-1.5 महीना, जब मैं उनको लेकर आई उनके पास, 1-1.5 महीने बाद मुझे कहा एक दिन, मैंने नमस्ते किया कर, मुझे कहते फिर अपने ड्राइवर दी वाइफ का कैंसर में तो ठीक करा लिया. मैं सच्ची चौंक गई थी. हाँ जी, ही सेड अपने ड्राइवर दी वाइफ का कैंसर ठीक करवा लिया. आई से थैंक यू गुरु जी. एंड उसके बाद मुझे कहते हूँ इन्हें छेती घर भेज दे. सो विच आई अंडरस्टूड दैट ही वुड हैव गिवन हर सर्टन ईयर्स ऑफ लाइफ विच ही वुड हैव गिवन हर सर्टन ईयर्स ऑफ लाइफ विच आई वुड नॉट डेयर आस्क हिम. जो उन्होंने बोला हूँ इन्हें छेती घर भेज दे. आई न्यू एंड श्योर इनफ शी लिव्ड quite a few years, and this is his kripa, this is his blessing. Unke charan charan mein unki jo wo kehte hain usko 100% maan ke 100% blind faith se chalne mein, usme ifs and buts nahi hone chahiye hamare. Isi tarah mere ko yaad hai ki ek baar bada mandir mein function tha bada, और सबने बहुत इंजॉय किया. गुरुजी का बर्थडे था, सबने एज यूजुअल, गुरुजी बैठे हैं, संगत बैठी है, डिविनिटी पोरिंग एंड गुरुजी के शब्द चल रहे हैं. और ये वो शब्द होते थे जो गुरुजी खुद चुनकर पसंद करके, रागी देखते थे कौन है, शब्द कौन सा है, वो चलवाते थे ताकि उसमें मैसेजेस जाते थे संगत को. हर शब्द का किसी ना किसी के लिए मैसेज होता था, और जो मैसेज होता था हमें, चाहे वो गुरुमुखी उस टाइम नहीं आती थी, पर उसका जो मैसेज होता था वो गुरुजी अपने माइंड में रजिस्टर कर देते थे. तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ. बड़े अच्छे अच्छे शब्द, बड़े डिविनिटी से लोडेड शब्द हमने सुने. और गुरुजी ने जब फंक्शन खत्म होने वाला था, उससे थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, और ये तबीयत मेरी 84 से खराब हो रही थी कि बिना किसी कारण के सडनली आई वुड फील वेरी लो और मेरी आंखें बंद हो जाती थी. मैं बिल्कुल लाइफलेस होके बैठ जाती थी. और फिर पता नहीं कैसे 2-3 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद या 10-15 घंटे बाद रिवाइव हो जाता था सब कुछ. चेक करवाया, कोई बीपी, कोई शुगर लो, कुछ ऐसा नहीं था. क्या था नहीं पता था. Could not identify, therefore could not be treated. उस दिन ऐसे ही हुआ जब गुरुजी मेरे को गेट के, बड़ा हॉल में बैठे थे हम,
suddenly I felt very low towards the fag end of the बड़ा फंक्शन. मैं दीवार के साथ लगी और सामने गुरुजी बैठे थे. सडनली गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट हुआ. दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर. उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं. मैं वैसे ही स्लिप डाउन होकर जमीन पे बैठ गई. थोड़ी देर बाद एक आंटी आई. उन्होंने मेरे को कॉफी का गिलास दिया. कॉफी पी ले. मेरे में तो पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, गल्प डाउन करने की भी एनर्जी नहीं होती थी. दो तीन बार उन्होंने कहा. फिर उन्होंने कहा ये गुरुजी का प्रसाद है. अपेरेंटली गुरुजी ने कॉफी पी और अपना कॉफी वाला गिलास मेरे लिए भेजा. सो आई रिकलेक्टेड कि जब मेरे को ये हो रहा था, आई वॉज सिंकिंग, मेरे आई कॉन्टेक्ट गुरुजी से हुआ. दैट इज द लास्ट. उन्होंने मुझे जो कॉफी अपना प्रसाद भेजा, मैंने वो पिया. वो दिन है और आज का दिन है. मुझे वो फीलिंग कभी नहीं हुई, दैट सिंकिंग फीलिंग, कि मुझे पता ही ना हो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा. ये है हमारे गुरुजी. मतलब इतने खूबसूरत लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे ये गुणगान बताऊं, कि एक रब जिसको बताया ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, वो अपने आप देख के. और ये मेरे साथ नहीं है, ईच एंड एवरी संगत, जिसे गुरुजी ने कहा शिव परिवार है, ईच एंड एवरी संगत के साथ गुरुजी वन टू वन है. इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट रखो और फिर देखो नजारे. सो लेट अस हैव डायरेक्ट कनेक्ट विद गुरुजी. बीच में कोई वाया मीडिया मत रखो. अगर कोई वाया मीडिया बनाना होगा तो गुरुजी जाने, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट रखो. गुरुजी को पता उन्होंने क्या करना है. सो किसी वहम में पढ़ के कि किसी ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा कर लो, नहीं. एंड आई थिंक बिकॉज उनकी डिविनिटी इतना स्ट्रांग और कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग, कुछ भी हील कर सकते हैं. इसलिए आपको मांगने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है. जरूरत है तो उनकी मर्यादा में रहने की, ढंग के कपड़े पहनकर मंदिर आने की. जैसे हम किसी शादी में जानते हैं, वी आर लोडेड विद ज्वेलरी. किसी डांस पार्टी में जाते हैं, वी आर वेयरिंग सच काइंड ऑफ ड्रेसेस. जब हम मंदिर में आते हैं, अपने गुरु घर में आते हैं, अपने रब को मिलने आते हैं, बहुत सुंदर मर्यादा वाली ड्रेसेस पहनो, बहुत सुंदर बनकर आओ, अच्छी तरह से साड़ी सलवार कमीज पर नाइसली, कि पता रहे गुरुजी भी खुश हो कि देखो मेरे बच्चे मुझे मिलने आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उनको इस माहौल में आना चाहिए. और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभा कर आओ. इसलिए गुरुजी शाम को बुलाते थे. गुरुजी ने एक बार मुझे याद है कहा था, जे मैं दिन च रखना शुरू कर दूंगा, सारिया आंटियां आ जाएंगी, घर च कोई बच्चा भूखा, किसी दी मदर इन लॉ भूखी, किसी का कुछ. अपनी जिम्मेदारी निभाओ, शाम को फैमिली के साथ आओ. ब्लेसिंग्स तो गुरुजी वाज ऑलवेज रेडी टू ब्लेस अस. सो सेवादारों के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाकर और सेवादारों के साथ बहुत अच्छा सलूक हमें करना चाहिए. हो सकता कोई सेवादार हमारे साथ जोर से बोल ले, डांट के बोल ले, कोई बात नहीं. हमें क्या पता वो सुबह से कितनी देर से सेवा कर रहे हैं, धूप में, छाया में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में. अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है, मान लो कुछ गलत भी कह दिया है, आप तो हम्बल रहो. हमें उनसे बहसबाजी में नहीं पड़ना. बहस तो किसी से भी नहीं करनी. हाँ जी बोलो, चलो. क्योंकि वो गुरु घर है. गुरु जी कहते थे लाइनों में चलो, लाइना ना तोड़िया करो. तो अनु नहीं पता इतने किन्ने करोड़ देवी देवता इस लाइन च लगे होंगे मैनु नमस्ते करने. इसलिए संगत जी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम किसी को धक्का देके आगे ना जाएं. हमें नहीं पता मेटाफिजिकल वर्ल्ड में कितना कुछ हो रहा है. लाइक गुरुजी कहते थे 33 करोड़ देवी देवता लंगर ले इंतजार करते हैं. सो जब हमें जो मिलना है गुरु घर से, वो कोई रोक नहीं सकता.
बिना हमारे किसी को पुश किए, बिना हमारे किसी को धक्का दे के आगे गए बिना भी मिलेगा, पर जब मिलना है उसका टाइम भी निर्धारित है। एंड इट इज वेरी सिंपल, शांति से जाओ, अपने रब को मिलो, उसके दर्शन करो, उसे निहारो, उसे उसकी ब्यूटी को एब्जॉर्ब करो, उसके एहसास को मानो, ताकि अगले नेक्स्ट विजिट तक वो एहसास आपके साथ रहे, उस खूबसूरती को लेके चलो, बिना धक्का दिए चलो। और लंगर प्रसाद जो है हमारा, उसको खराब ना करो। ये लंगर प्रसाद मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सत्संग हुआ था, गुरुजी बैठे थे, उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड एक साइड में सेवा कर रहे थे गुरुजी की और मैं दूसरी साइड में बैठी थी, मैं सेवा नहीं कर रही थी। गुरुजी ने एक अंकल को बुलाया, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी, उनको सामने बिठाया, हम तीनों को छेना मुर्गी का प्रसाद दिया और बोला खा के आओ। अब मेरे हस्बैंड ने इशारा किया मुझे कि मेरे हाथ से पकड़ ले, मैं सेवा कर रहा हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने हम दोनों को घूर के देखा, जब उन्होंने दोबारा इशारा किया तो गुरुजी गुस्सा हुए, एक ही करी जाता है, ऐसे बोला गुरुजी ने। एंड ही जस्ट एक्सप्लेन, ही से गुरुजी नहीं मैं इन्हू कह रही प्रसाद पकड़ ला, मैं सेवा करता पाया। वो गुरुजी इतना नाराज हो गए, गुरुजी ने गुस्से में डांट के हमें बोला, अपना प्रसाद आप खाईदा है, किसी ने नहीं देता। देन डांट के हमें, फिर उन्होंने दोबारा प्रसाद मंगाया और दोबारा हम तीनों को प्रसाद दिया कि बाहर जाओ खा के मेरे को वापस आओ। सो आई अंडरस्टूड कि जो ब्लेसिंग गुरुजी ने अपने हाथ से दे दी उसको कोई तोड़ मरोड़ना नहीं होता, उसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट करना होता है, उसको बचा के अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं ले जाना। दिस इज योर ब्लेसिंग, इफ यू आर ब्लेस्ड द होल फैमिली इज ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू गुरु जी। कर जो एक बंदा भी मेरे को लांदा है, ओदिया सात जनरेशंस ब्लेस हो जाती है। सो दैट डे गुरु जी गेव अस अगेन न्यू प्रसाद, उसी प्रसाद के ऊपर ब्लेस करके और हमें बोला बाहर जाओ खा के मेरे को लाओ। आई रिमेम्बर बोथ द बॉयज, माई हस्बैंड एंड दैट अंकल, इनके तो इतने बड़े हाथ लड़कों के होते हैं, वो ऊपर तक भरे हुए थे कि ये मुंह से ऐसे खा रहे थे। मेरे पास तो दुपट्टा था, मैंने तो ले लिया उसमें आराम से। देन वी हैड वाटर, क्योंकि छेना मुर्गी थोड़ा ड्राई होता है। इतना प्रसाद गुरुजी ने खिलाया, अब क्या कल्याण किया ना मैंने आज तक सोचा, ना मैंने सोचना है, ना मुझे पता। बस मुझे ये याद है गुरुजी ने कहा कि अपना प्रसाद आप खाईदा है, किसी को हाथ में देना भी नहीं, जो आपको मिल गया चुपचाप आप खा लो। आपको ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, आपका परिवार तो ब्लेस हो ही गया। सो दिस इज मेरे हिसाब से, मुझे ये बड़ा ही खूबसूरत सत्संग लगता है अपना, कि देखो गुरुजी कितने प्यार से हमें डांट भी देते थे और प्यार से समझा भी देते थे, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करते थे। गुरुजी प्रसाद जैसे दिया उस टाइम छोटा सा स्वरूप देते थे, जो हम बॉयज अपनी पॉकेट में लगा लेते थे क्लिप के साथ, पर आजकल मैं देखती हूँ, सॉरी संगत जी मैं थोड़ी सी, एक मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं शेयर करना चाहती हूँ, कोई बुरा ना माने, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है। गुरुजी साक्षात हैं, अब मैं एक इंसान हूं, मेरे चेहरे पे पेन से कुछ लिख दो, मेरे हाथों पे बाजुओं पे कुछ लिख दो, कितना बुरा लगता है। वो तो रब है जिसने हमें क्रिएट किया, जिसने सृष्टि क्रिएट की, हमारी औकात ही क्या है उनके स्वरूप के ऊपर कुछ लिखें। उनकी ओरिजिनल स्वरूप है, जो ओरिजिनल कलर की ड्रेस है, उस ड्रेस को हम चेंज कर देते हैं, उस ड्रेस के बॉर्डर, उस ड्रेस का कलर चेंज कर देते हैं। मेरे हिसाब से हमारी औकात नहीं है और हमें इस चीज से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गुरु जी के साथ हमने
छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें इंजॉय की है। गुरु जी वॉज फुल ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, उनकी मजे भी बहुत करते थे, हम बहुत हंसाते थे कई बार गुरु जी। दो तीन वीडियोस आपने देखे भी होंगे, बहुत वायरल हुए हुए हैं कि वो अंकल कुछ करके दिखाते हैं, गुरु जी कितना हंसते हैं, कितना हंसते हैं। ऐसे ही कई बार ही होता था, एंड में जाके जब संगत चली जाती थी, थोड़ी सी रह जाती थी, गुरु जी सी आसन पर होते थे या चेंज करके आके बैठ जाते थे नीचे, तो बहुत एक परिवार की तरह होता था। हंसी मजाक भी करते थे, और कई बार तो संगत के बीच में ही वाइल्ड ही इज ऑन द सिंहासन इन द चोला, मुझे याद है एक अंकल थे, उनकी आंटी थी साथ में, गुरुजी के पास आए, नमस्ते की, गुरुजी ने कहा सेली ली फिर था, नहीं 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 गुरुजी नहीं नहीं नहीं, कहने तेरी वोटी तो घर बैठी रोटी बना रही है। और वो अंकल, सब लोग हंसने लग गए, वो अंकल हाथ जोड़े थे, गुरुजी होली बोलो, गुरुजी होली बोलो। पर वहां किसी की बेइज्जती नहीं होती थी, किसी की भी बेइज्जती नहीं होती थी, बस सब हंस पड़ते थे और बात खत्म हो जाती थी। बट गुरुजी न्यू इट कि कहां पर किसको क्या कहना है, और कई बार तो गुरुजी इतना लाउड बोलते थे पर सिर्फ सुनता उसको था जिसको सुनाना होता था, कोई उसमें बेइज्जती नहीं होती थी, और जिस संगत को सुनाना होता था उनको समझ भी आ जाती थी। एक बार गुरु जी के गांव से एक संगत आई पंजाब से, आके उन्होंने माथा टेका और कहा जी मुंडे का ब्याह नहीं हो रहा। गुरु जी कहते ले मुंडे का ब्याह नहीं हो रहा, उठ के आ जाते हैं, मैं तो खुद कुंवारा बैठा है इत्थे। हम सब इतने हंसे गुरु जी के, इतने प्यार से ही उन्होंने मजे में बात कह दी। गुरु जी ने फिर थोड़ी सख्त टोन में कहा चलो पंजाब जाओ वापस। उन्हें वो बेचारे छोटा सा मोह हो गया, लंगर करके वो चले गए। अगले दिन हम गए, वो फिर चले आ रहे थे, उनके हाथ में डिब्बे थे, बड़े खुश थे। गुरु जी को नमस्ते करके कहते गुरु जी रिश्ता हो गया। गुरु जी कहते फिर, मतलब इट वॉज सो सो ब्यूटिफुल कि गुरु जी ने उनको भेजा कि इसलिए था, बिकॉज गुरु जी न्यू के सुबह इनके पास रिश्ता होकर रिश्ते वाले आएंगे और रिश्ता होएगा इनका। पर जैसे उन्होंने कहा वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत था कि फिर मैं तो खुद कुंवारा बैठा। ऐसे गुरु जी कुड बी एट एनी डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम। एक बार दिवाली मनाई हमने, एम्पायर स्टेट में थे, तो बड़ा मंदिर में नहीं थी दिवाली, हुई इधर ही हुई, बड़े पटाखे बाहर, सब कुछ बड़ा खूबसूरत था। अगले दिन गांव से कुछ लोग आए, उन्होंने बात की मेरे से कि हमने कल बड़े मजे किए गुरु जी के साथ, दिवाली इतने मजे से मनाई। तो मैं उनको देख रही थी कि गुरु जी तो यहाँ थे, उन्होंने कहा गुरु जी ने इस रंग का चोला पाया होया सीगा, बड़े अच्छे, बड़े सोने लग रहे सी, बड़े अच्छे लग रहे सीगे, ये किया वो किया बड़े अच्छे से। एंड आई वॉज वंडरिंग, ऐसे नहीं नहीं गुरु जी तो यहाँ थे, पर जब उन्होंने चोला बोला तो आई रिमेम्बर कि हाँ दिवाली पे गुरु जी ने ये चोला पहना हुआ था, एम्पायर स्टेट की बात है। सो आई रियलाइज ही इज रब, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सो ही कुड बी एट वन टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम समबडी, गुरु जी ने मुझे नहीं पता किसी से पूछा था, मेरे से नहीं हुई थी ये बात, किसी से पूछा तो अमरीका कितनी देर से जाके आंदा, He must have said जी so many hours or so। गुरु जी कहते मैं तो एक पलक चपकने च अमरीका जाके आ जाता। So गुरु जी could see anywhere and everywhere at the same time। ये सिवाय रब तो nobody can do it, nobody can do it। रब ही अंतर्यामी है, रब ही omnipresent है, रब ही अजन्मा है, अनंत है, स्वयंभू है। ये तो एक हमारे लिए, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए गुरु जी इस मिशन पर आए, और संगत को अपने साथ जोड़कर सही रास्ता दिखाकर ही कंप्लीटेड हिज मिशन एंड ही वेंट। बट ही सेड
सिंस ही डिड नॉट सेव सिंस आई एम आई कैन आई डोंट नो हाउ टू पुट इट ही इज ऑलवेज 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 देयर. बस वो फिजिकल फॉर्म थी जो हमने देखी और अभी निराकार जो संगत देख रही, और संगत इसीलिए जुड़ भी रही है. गुरु जी कहते थे आने वाले टाइम से 24 24 घंटे दिया लंबिया लाइना लगन दिया. एंड टुडे व्हेन आई गो टू मंदिर आई सी दैट जो जो लफ्ज गुरु जी ने बोला वो अटल सत्य था और वो सारा वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था. ऐसे ही मेरे को गुरु जी ने समझाया जब उन्होंने फिजिकल बॉडी छोड़ी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी. लगा था कोई बेस नहीं रहा जिंदगी का, किसके लिए जीना है. और ये मेरा नहीं, पूरी संगत का यही हाल था. एवरीबॉडी फेल्ट कि हम लावारिस हो गए. गुरु जी वो ही ना इज वेरी काइंड. अगेन आई रिमेम्बर हरिद्वार से जब हम वापस आए, मंदिर पहुंचे वापस रात को 11:30 के करीब, तो मैं सनसेट घर चलो ऐसे नहीं, मंदिर से नहीं मैं जाऊंगी, हमारी लड़ाई होगी. और ही सेड मम्मा जाना तो पड़ेगा बिकॉज इतने दिन हम मंदिर से ही इन एंड आउट थे. एनीवेज हम घर आए तो आई वॉज वेरी अपसेट विद माई सन कि ये मुझे गुरु जी फिजिकली चले गए और उनका एहसास मंदिर में है, मुझे वहां से भी ले आया, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है. मैं बहुत नाराज थी उस मोमेंट पर. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू सिट विद हिम इन हिज रूम. आई वेंट टू माई रूम. एज आई वॉज एंट्रिंग माई रूम मुझे पेरिफेरल विजन से दिखा कि कुछ हिला साइड में. मेरे रूम के बाहर गुरु जी का वो स्वरूप था जिसमें दोनों हथेलियों में आंखें बंद है और गुरु जी का ब्यूटीफुल स्वरूप. उसमें मैंने कुछ हरकत दिखी तो मैं रुकी एक सेकेंड के लिए. एंड आई सॉ गुरु जी की एक बाजू रिस्ट के पास जो पल्स होती है वो छोटी उंगली जितनी मोटी पल्स ठक 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 वो चल रही थी. जैसे हमारी पल्स, हमें तो हाथ रख के फील करना पड़ता है पल्स को, बट आई कुड सी विद माई नेकेड आई दैट पल्स ठक ठक चल रही थी. आई वॉज फ्रोजन कि ये क्या हो रहा. इतने में मेरे बेटे का दोस्त जिसको गुरु जी ने घर में रखा हुआ था, उन्हीं के गांव के थे, ही केम टू सी कि पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों है, मैं कहीं कुछ हो तो नहीं गया मेरे को. ही केम बाय द टाइम आई सॉ अनदर थिंग. आंखें जो दोनों बंद थी, एक आंख गुरु जी ने पलक को दो बार झपका. एंड वी वर फ्रोजन देयर. हमें हमारे से कोई बात नहीं हो रही थी. वी वर ग्लूड टू द स्वरूप ऑफ गुरु जी. तो माई सन ऑल्सो थॉट कि क्या बात है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कुछ हुआ तो नहीं. तो ही ऑल्सो केम एंड वी टोल्ड हिम कि दिस इज वॉट वी सॉ. उसने मुझे समझाया कि आप रो रहे थे, आप मेरे साथ लड़ रहे थे कि मुझे मंदिर से मत लेके जाओ, मैं यही रहूंगी, सारी संगत का ही मम्मा ये हाल है, बट गुरु जी ने आपको दिखाया कि मैं तो कहीं नहीं गया, आई एम अलाइव, आई एम विद यू, आई एम हियर ओनली. उन्होंने ये करके दिखाया आपको. सो हैव फुल फेथ, गुरु जी इज देयर एंड ही व्हेन यू कॉल हिम फॉर सत्संग ही कम्स, ही सिट्स देयर. एंड हम छोटी सी बात करके बिलिटल कर देते हैं कि चाय के प्रसाद में गुरु जी हैं, वो देखो कुशन में गुरु जी हैं. यहाँ तक कि गुरु जी ने अपने मुंह से कहा मैं चांद में दिखूंगा, तो संगत बाहर भाग जाती थी. हम लोग कि बाहर भाग जाते थे चांद में देखो. और हम लोग, मुझे लगता था गुरु जी आप तो यहाँ बैठे हो अभी ना, तब की बात तब देखेंगे. तो वी वुड कीप लुकिंग एट गुरु जी. मैं तब भी सोचती थी, मैं आज भी सोचती हूँ कि गुरु जी हम क्या देखते थे, बट एक टक आपको देखते थे. और जैसे ही गुरु जी की नजर मिलती थी हमारी नजर से, तो आंखें एकदम अपने आप झुक जाती थी बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ गुरु जी. गुरु जी के साथ एक बार बहुत फर्स्ट टाइम होली
बड़ा मंदिर में, गुरु जी एम्पायर स्टेट में थे, हम लोग बड़ा मंदिर में थे होली के लिए. एंड आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट होली एवर आई हैड. फ्यू संगत ऑफ गुरु जी वॉज देयर. फिर वहां से मैसेज आया कि मंदिर के अंदर मत जाना, क्योंकि मंदिर सारा वाइट रंग ऐसे लग सकता था. तो शाम को जब सारा कुछ हो गया, प्रसाद खा लिया, नहा धो के फ्रेश होकर आए, हम अंदर गए माथा टेकने बड़े हॉल में इवनिंग में. तो वी सॉ जिस शिव मूर्ति को सुबह ब्रासो करके चमका के अच्छे से सेवा करके रख कर आए थे हम, उनके गले में जो रुद्राक्ष हैं, वहां पर दो या तीन, आई थिंक तीन डॉट्स से, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, तीन कलर के तीन डॉट्स थे. एंड सडनली वी थॉट, और तब वो आज वाला माहौल नहीं था, कोई भी जा सकता था. तो एक आंटी ने ऐसे कैमरा रखा कि गुरु जी की ये फोटो लेते हैं, शिव जी की, शिव मूर्ति की. वो जैसे ही कैमरा लगाया कि फोटो खींचे, शिव मूर्ति के आगे वो कैमरा था, ये फोन था, फोन कैमरा, बट वी सॉ गुरु जी इन दैट. एंड साइमल्टेनियसली टू थ्री ऑफ अस गुरु जी, और क्लिक किया. पर जब क्लिक करके उसके प्रिंट आउट हमने निकाले, वो शिव जी की थी, पर शिव जी का फेस पूरा ब्लू था. वो फोटो आज भी मेरे पास है, जिस आंटी ने ली थी उन्होंने प्रिंट आउट निकाले थे, एंड शी गेव इट टू मी ऑल्सो, इट्स विद मी. गुरु जी ने फिर पूछा तो कौन कौन खेलन गया सेगा होली. गुरु जी ऐसे पूछते होते थे बड़ी बार. तो फिर खेली कहीं होली खेली, ऑफकोर्स सब स्माइल्स थे. एंड गुरु जी वुड नो कि कौन क्या कर रहा था, किस टाइम कहाँ पर था, क्या कर रहा था. इसलिए आई ऑलवेज अंडरस्टूड ये जो जमीर है, ये मेरे गुरु जी हैं, इसको चमका के रखना है मैंने, इस पे सच्चाई ही रखनी है. दुनिया चाहे कितना बोले, दुनिया कितना नाराज हो जाए आपसे, उस पे झूठ का लेप नहीं लगाना है मैंने. बिकॉज गुरु जी को पता मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ इज्जत मान से बोल रही हूँ, किसके साथ लड़ रही हूँ, किसको निंदा कर रही हूँ, किसके लिए दिल में जल कुड़ रही हूँ, किसके लिए दिल में प्यार से चल रही हूँ, और किस टाइम मैं कहाँ हूँ, कैसे बिहेव कर रही हूँ. Everything of each and every संगत is noticed by Guruji. ये मैं नहीं, मैं का मतलब I'm representing संगत, कि हम जो भी करते हैं Guruji को हर हर पल का पता है. ये सबने महसूस भी किया होगा. तो मेरी कोशिश यही होती है कि लोग चाहे नाराज हो, कुछ हो, कि हमें गुरु के लिए अपना जमीर चमका के रखना है. गुरु को पता है कि हम अंदर से कैसे, हम उसके काबिल बने. बस यही मेरी छोटी सी यही अर्ज होती है, गुरु जी इतनी कृपा करो कि हम आपके काबिल बने, आपके चरणों में बैठने के काबिल बने, चरण शरण में रहने के काबिल बने. मैं यहीं पर आज का सत्संग, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की गुणगान को विराम देती हूँ, और गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी हमें हमेशा गलत रास्ते से हटाने की कृपा करें, सही रास्ते पे रखें. सारी संगत को जो आपने मुझे शब्दों में बोला कि ये मेरा शिव परिवार है, कोई संगत नई और पुरानी नहीं है, मैं शिव परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ, और ये परिवार मेरे साथ हजारों 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 सालों से है. तो गुरु जी कृपा करें कि जो शिव परिवार है हमारा, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रह्मांड में है, कि हमें काबिल बनाइए, हम आपके चरण में बैठने के काबिल बने, और अपनी मर्यादा में, अपने आपकी मर्यादा में रहकर ये जिंदगी आपके गुणगान में व्यतीत करें. जय गुरु जी. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल. जय गुरु जी संगत.